इस होली कुछ खास मनाते हैं, दूध पुआ बनाते हैं। वेलकम टू फूड बफन। आज हम बनाएंगे दूध पुआ। पुआ तो आपने बहुत खाया होगा, पर दूध पुआ भी ट्राई करिए। इसे हम केले से बनाते हैं। हम लोग ले लेंगे 1.5 दर्जन पका हुआ ओवर राइपन केला। इन्हें अच्छे से छील लेंगे। छीलते वक्त बस ऊपरी हिस्सा निकाल देंगे। अब इन्हें हम प्रिक कर लेंगे और अच्छे से मैश करेंगे। जब ये आधा मैश हो जाए तो इसमें 200 ग्राम के लगभग चीनी डालकर इसे और मैश करेंगे। कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाए तो हम इसमें 200 ग्राम आटा या मैदा डाल देंगे, या फिर आप दोनों भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाना है। हाथों से पुआ मिलाने से वो बेहतर बनता है। मैं हाथों से मिला रही हूँ। अच्छे से फेंटना है। 10 मिनट फेंटने के बाद ये सही से मैश हो जाएगा और कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी। कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट कराना जरूरी है ताकि हमारा पुआ अच्छे से फूले। 2 घंटे हो चुके हैं तो एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। फिर अपने पुआ के बैटर को थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, नहीं तो पुआ तली में चिपक जाएगा। पुआ डालते समय हम मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम ही रखेंगे और इसी फ्लेम पर हम पुए को पकाएंगे। इस पुए में केला ज़्यादा है तो इस वजह से ये थोड़ा चिपकता है, तो नॉनस्टिक पैन लेना ही ज़रूरी है। ये एक स्टील का नॉनस्टिक पैन है। धीरे धीरे हम इसे मध्यम आंच पर अच्छे से पका लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। सारे पुए मैंने छान लिए हैं। अब दूध को बॉईल कर लेंगे। मैंने 1 लीटर दूध लिया है जिसे हम चला चला कर बॉईल करेंगे स्पैचुला से, ताकि ये नीचे लगे ना तली में। मैंने 200 ग्राम चीनी लिया है। चीनी को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें काजू का पेस्ट मिला देंगे। अच्छे से बॉईल आ जाएगा। तो मैंने ये माखा संदेश लिया है 50 ग्राम्स। आप चाहें तो मावा या संदेश भी ले सकते हैं। फिर 4 इलायची को डाल देंगे। अब अपना पुआ हम दूध में ऐड कर देंगे। ये पुआ गरम दूध में ही डालेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए और बहुत सारा दूध पी ले। 3-4 घंटे कम से कम तो रखना ही है। ओवरनाइट रखने पर इसका टेस्ट और ज़्यादा लाजवाब हो जाता है। पुआ दूध पीने लगता है और दूध भी धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। फ्रिज में रखने से तो ये मिठाई जैसी लगती है। बहुत ही डिलीशियस। होली के लिए तो ये कंपलसरी है। ज़रूर बनाइएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।